आप सबके बीच फिर से एक नए दवाई को लेकर आ गए हैं जिसका नाम है मोंटी नॉर्म ड्रॉप्स। यह एक बच्चों को दी जाने वाली ड्रॉप्स है और इस ड्रॉप के बारे में आपको पूरा डिटेल से जानकारी देंगे और डॉक्टर किस प्रकार के बीमारी या किस प्रकार का लक्षण या पेट के किस प्रकार के समस्या दिखाई देने पर डॉक्टर इसे लेने की सलाह देते हैं। और इसमें जो कंपोजिशन है डॉम्पेरिडिन, इसका मुख्य रूप से हमारे पेट के किन समस्याओं में यूज किया जाता है, इसका प्राइस क्या है, इसे किस कंपनी के द्वारा बनाया जाता है, तो इन सभी चीज़ों के बारे में डिस्कशन करेंगे और डोज लेने के बारे में आपको बताएंगे कि किस प्रकार से लें और इसका साइड इफ़ेक्ट क्या हो सकता है। तो इन सभी चीज़ों के बारे में आपको डिटेल जानकारी देंगे, तो आप लोग वीडियो में बने रहिए। यह दवाई मुख्य रूप से 1 से 5 साल तक के बच्चों को मुख्य रूप से दिया जाता है। या मुख्य रूप से 2-3 प्रकार के पेट से संबंधित समस्या में आप इसका यूज कर सकते हैं। नंबर 1 की बात करें तो इनडाइजेशन, यानी आपके बच्चों की पेटों में अपच जैसी समस्या हो रहा है। यानी अपच का अर्थ होता है हमारे पेट के ऑर्गेन में कोई प्रॉब्लम हो जाता है जिससे खाना ठीक रूप से पचता नहीं, जैसे कि HCL यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव यानी निकलने के जो गतिविधि होता है उसमें कोई प्रॉब्लम आ जाता है जिसके कारण खाना पचने में प्रॉब्लम होने लगता है और खाना खाने की इच्छा नहीं करता है। बच्चों में उल्टियां, वोमिटिंग की समस्या मुख्य रूप से देखा जाता है। उल्टी होने का कारण होता है बच्चों के लीवर में कोई प्रॉब्लम हो जाना या फिर स्टोमैक के आंतरिक म्यूकस झिल्ली में प्रॉब्लम हो जाता है, तो बार बार उल्टी जैसी समस्या देखी जाती है। तो इन प्रकार के बीमारी के लक्षण दिखाई देने और इन कंडीशनों में आप इस डॉम्पेरिडिन ड्रॉप्स का यूज कर सकते हैं। अब हम आपको बताते हैं कि यह दवाई आपके पेट और आंतों में किस प्रकार काम करता है। तो यह हमारे भोजन को पचने की गतिविधि को तेज करता है जिससे खाना पचने में आसानी होता है और भोजन को ब्लोटिंग करने में और उसको भारीपन लाने का काम या डॉम्पेरिडिन करता है। और इन सभी कारणों से आपके पेट में जो गैस ज़्यादा बनने लगता है, बच्चों में उल्टियां बार बार होती है, उससे भी आपको राहत दिलाता है या डॉम्पेरिडिन। और यह एक अच्छी दवाई है और यह आपको 64 रुपया में 5 ml का ड्रॉप्स किसी मेडिकल स्टोर पर आसानी से मिल जाएगा। और इसे मिडले फार्मास्यूटिकल्स के द्वारा बनाया जाता है और इसे आप सनलाइट यानी सूर्य के प्रकाश से दूर रखें, 30 डिग्री से कम टेम्परेचर पर रखें यानी आप इसे रूम में रखें, तो यह काफ़ी ही अच्छा कारगर साबित होता है। तो आप समझ गए होंगे कि किस प्रकार के बीमारी होने पर बच्चों में इस डॉम्पेरिडिन का यूज किया जाता है। अब हम इसकी डोज की बात करते हैं, तो डोज आप डॉक्टर के सलाह या फिर आपके बीमारी के कंडीशन के अनुसार 2 से 3 बार भी 2 चम्मच करके आप बच्चों को दे सकते हैं। अब इसकी साइड इफ़ेक्ट की बात करते हैं, क्योंकि यह एक अच्छी दवाई है तो इसका कोई ख़ास साइड इफ़ेक्ट नहीं है, लेकिन बच्चों में एब्डोमिनल पेन यानी पेटों में दर्द जैसा उसको मरोड़ जैसा महसूस हो सकता है या फिर लेटरिंग जैसी समस्या भी आ सकती है। यदि लेटरिंग ज़्यादा बार हो तो आप डॉक्टर से मिल लें, या 1-2 लेटरिंग हो जाए तो कोई घबराने की बात नहीं है। तो वीडियो में बने रहने के लिए थैंक यू, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आपको किसी भी प्रकार के मेडिकल से संबंधित, बीमारी से संबंधित, टेबलेट कैप्सूल से संबंधित, इंजेक्शन से संबंधित जानकारी लेना हो या फिर मेडिकल के बारे में, कोर्स के बारे में जानकारी लेना हो, तो आप हमें कॉमेंट कर सकते हैं। जय हिंद।